हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिंपल एक इलेक्ट्रिक का पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखिएगा किस तरह से एक इलेक्ट्रिक का वर्क किया गया। सेम सिंपल रहता है, वैसा कुछ भी नहीं। बट एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप सीलिंग नहीं करना चाह रहे, समझो इसके अंदर ही आप लोग पॉइंट्स बिठा सकते हो, वो एक तरीका है। अब देखो, एक बेडरूम आ रहा है, पूरा फुल एक बेडरूम आ रहा है। इसमें देखो, एक दो तीन चार, ये तीन पॉइंट्स आते हैं। आप इसके अंदर 3 वाट का बल्ब भी बिठा सकते हैं डायरेक्ट, ओके, चैनल लाइट आते हैं ना वो वाला, और एक जंक्शन बॉक्स, ये फैन बॉक्स है। और मेन चीज़ क्या है, अच्छा से इसको टेप मारना, और वंड बैठ गया समझो, मालूम ही नहीं होता बाद में, तो वो एक ज़रूरी है। इसलिए इसके नीचे ज़्यादातर पेपर अच्छा से रखा जाता है। मैं एक साइड पर क्या किया था, अभी एक बेडरूम है समझो, उधर एक जैसे हम सीलिंग में लाइट्स देते, देखो 1 2 3 कंटिन्यू, उसी तरह से छत के अंदर ही दिए थे अपन। उधर 1 2 3 कॉर्नर पे ऐसे 4 बल्ब दिए थे, मतलब बगैर सीलिंग का ही डायरेक्ट आप सरफेस लाइट वैसे कुछ भी बिठा सकते हैं समझो, वो एक तरीका है। वो चीप एंड बेस्ट, बगैर आपका बगैर सीलिंग के आप बना सकते हैं, और अच्छा सा आपको सीलिंग के अंदर लाइट होना, वो सब डिज़ाइन होना बोलते, कंपलसरी POP सीलिंग कर लीजिएगा, या फिर जिप्सम POP आता, दूसरा जो है रट का आता। और ये वाला ऐसे नीचे गया कंटिन्यू, एंड इधर से वहाँ पे मुड़ गया, उधर डायरेक्ट उधर तक गया है। ये हॉल है, हॉल में एक फैन आ रहा, बीच में झूमर पॉइंट, या फिर यहाँ पे फैन बॉक्स, उधर जो है झूमर बिठा सकते फैन बॉक्स के अंदर ही, ओके। एंड और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपका आप सामने की तरफ थोड़ी सी जगह दिए समझो, इधर से कंटिन्यू लेके ना, उसके अंदर एक 3 लाइट बिठा सकते हैं समझो, जो छज्जा दिख रहा है ना उसके अंदर भी, वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम लगता है बस उतना ही। मगर ख़राब हो गया समझो, उसको रिपेयर करने में दिक्कत होता है, उतना हाइट तो डबल मंजिल है, उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और कुछ भी नहीं। और इसको बेसिक चीज़ क्या क्या लगता है आपको, एक घर के एक फ़ैन बॉक्स 50 60 70 रुपये में मिलता है, एक डीप बॉक्स 2 फीट का डीप बॉक्स मिलता है, और 1.5 गेज का 25 mm 1 इंच वाला एक पाइप आता है, फिनोलेक्स है फिलहाल, ये 70 60 रुपीज़ में आता है। या फिर आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं, GM का है, पॉलीकैप का है, एंड और दूसरा एक बैंड होना, वो 15 रुपये में मिलता है, डिप बॉक्स वेज 20 रुपये के अंदर मिलता है, एंड एक टेप है ना, सुलोचन डब्बा होना, और आरा एक्सा ब्लेड या आरा पत्ती बोलते हैं, और क्लोज़र होना, उसके अंदर माल नहीं जाना ना, क्लोज़र यूज़ करते हैं, तो इन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है बस। ये चीज़ अगर आप लाए समझो वैसा, और ये इलेक्ट्रिक पॉइंट आप खुद भी लगा सकते हैं, बट सबसे बेस्ट बोले एक्सपर्ट को ला के डाल देना, क्यों बोलते हैं थोड़ा बहुत कुछ फूटने का रहता, अगर ये वाला चीज़ इधर डाले तो परेशानी करता, तो इधर डाले, तो ऐसा कुछ थोड़ा बहुत कुछ चीज़ है जो आप लोगों को केयर लेना पड़ता। एंड कभी भी पाइप आप यूज़ करते ना, थोड़ा सा हैवी वाला पाइप यूज़ कर लीजिएगा अपने घर में, ओके, वो ज़रूरी हैवी वाला रहना। इसमें और एक आता है, रेड कलर में भी आता है, ब्लैक कलर में भी आते पाइप्स, रेड कलर के डिप बॉक्स आते हैं, या फिर रेड कलर के पाइप भी आते समझो, वो थोड़ा हैवी रहता, स्पेशली जो मल्टी स्टोरी कमर्शियल बिल्डिंग रहता है उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता, बट कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, काफ़ी केयर का काम है, आपको कर लेना पड़ता है। एंड जिस दिन माल डालते देखो, उस दिन कंपलसरी एक इलेक्ट्रिशियन यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है। क्यों रहना बोले तो, कुछ तो एक माल डालते समय कुछ किस के नीचे कुचला जाता है, या फिर दब जाता तो टूट जाते पाइप्स, इसके ऊपर अब हम पाँव रखे तो टूट जाते, तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन ज़रूर रहता है यहाँ पर। चलिए, कल इसका जो है कॉन्क्रीटिंग है, मैं बता देता हूँ अगला नेक्स्ट अपडेट। धन्यवाद।